नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में एक रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा टॉपिक न्यूज़ में है और वो है दोस्तों 16+1 मैकेनिज़्म, या आप इसको 16+1 फॉर्मेट भी कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से 16+1 समिट भी कह सकते हैं। तीनों ही चीज़ें एक ही हैं, जो कि एक तरीके से चाइना के द्वारा बनाई गई एक स्ट्रेटजी है यूरोपियन यूनियन के खिलाफ। तो अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ये मैकेनिज़्म एक्चुअली में है क्या, यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है, यूरोपियन यूनियन का क्या स्टैंड है, और चाइना इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमने यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए स्पेशल प्रिपरेशन की है ताकि उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अगर सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी आईएएस 2020 एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो हमारे साथ दोस्तों कोलेबरेट कीजिए, इससे आप अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्रैक करने के लिए हमारी इस स्पेशल वीडियो को देखिए, इसमें स्ट्रेटजी एंड टिप्स है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा डायरेक्टिव वर्ड वाला एक स्पेशल वीडियो है, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो मेंस के क्वेश्चन पेपर में स्पेशल डायरेक्टिव वर्ड आते हैं, एग्जामिन एनालिसिस एक्सेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये आप सीख जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इन्हें नहीं सीखते तो आप यूपीएससी मेंस कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी नेसेसरी है आपके लिए। और दोस्तों, ये टिप्स इम्पॉर्टेंट कैसे हैं, इस चीज़ को बताने के लिए हमने 2018 यूपीएससी मेंस पूरा सॉल्व कर दिया है और 2019 का भी यूपीएससी मेंस हमने दोस्तों सॉल्व कर दिया है। और दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से डायरेक्टिव वर्ड के कंसेप्ट को अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में, तो आप इस वीडियोस को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि करंट अफेयर इश्यूज को भी हम काफ़ी तेज़ी से कवर कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ वो यूपीएससी मेंस 2020 में भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, इसीलिए कृपया हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर 16+1 फॉर्मेट का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो 1 है वो जो है दोस्तों चाइना को रेफ़र करता है, और जो 16 है दोस्तों वो 16 कंट्रीज़ को रेफ़र करता है, और दोस्तों ये जो कंट्रीज़ हैं वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपने जो काउंटर पार्ट हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, उनसे कम डेवलप्ड हैं। तो चाइना ने यहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि उसने यूरोपियन यूनियन के उन कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया है जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, ताकि उनको अलग स्ट्रेटजी के साथ वो एक तरीके से एक्सप्लॉयट कर सके और यूरोपियन यूनियन में एक दरार डाल सके डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ का। दोस्तों, चाइना ने इस प्लेटफॉर्म को 2012 में शुरू किया था, और आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि ये BRI लॉन्च होने से पहले भी चाइना ने इस इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट कर दी थी। यहाँ पर दोस्तों, चाइना ने 11 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट को इसमें शामिल किया और 5 बालकन कंट्रीज़ को। आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बालकन कंट्रीज़ जो है दोस्तों वो 8 है, और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं टोटल वो 29 हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 29 में से 11 यूरोपियन यूनियन मेंबर को इन्वॉल्व किया गया, और 8 बालकन कंट्रीज में से 5 बालकन कंट्रीज को इन्वॉल्व किया चाइना ने। आप दोस्तों यहां पर नीचे देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में मैंने उन सारी कंट्रीज के नाम डाल दिए हैं जो इन 16+1 फॉर्मेट में एक तरीके से हैं। दोस्तों, इसको कभी कभी 17+1 फॉर्मेट भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कभी कभी चाइना जो है ग्रीस को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो अगर दोस्तों कहीं पर 16+1 फॉर्मेट हो या 17+1 फॉर्मेट हो, तो आप उसको एक ही समझेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि चाइना ने इस फॉर्मेट को तो दुनिया के सामने पहले रखा, लेकिन दोस्तों फिर भी
कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर दोस्तों जो चाइना की मंशा थी वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए ही इस फॉर्मेट को पहले बनाकर एक तरीके से यूरोप में एंटर करने का अपना रास्ता निश्चित करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना की ऐसी कुछ स्ट्रेटजी रही होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बात और ज़्यादा क्लियर जब हो जाती है जब जो चाइना है इस फॉर्मेट में इन तीन इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड करता है जो बिल्कुल BRI में भी इंक्लूड करने की बात कही गई है। जैसे कि दोस्तों यहां पर चाइना ने कहा कि 16+1 मेंबर कंट्रीज के साथ हम तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर में कॉपरेट करेंगे और दोस्तों वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BRI जो है पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही फोकस करने की बात करता है और दोस्तों उसमें साथ ही साथ इन सब चीज़ों को करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करने की बात करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो BRI का प्लान है और 16+1 फॉर्मेट में रखे हुए सेक्टर्स हैं वो आपस में दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मेल खाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि 16+1 फॉर्मेट की अनाउंसमेंट भले पहले हो लेकिन ये फिर भी एक तरीके से BRI का ही एक एक्सटेंशन रूप है जिसको बस चाइना ने दुनिया में BRI का कंसेप्ट बाद में रखा और इस कंसेप्ट को पहले रख दिया। एक दोस्तों इस फॉर्मेट का स्पेशल फीचर और है और वो है दोस्तों कि ये मल्टीलेटरलिज्म पर फोकस नहीं करता बल्कि सिर्फ और सिर्फ बायलेटरलिज्म पर फोकस करता है। इसका दोस्तों क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों 16 कंट्रीज जो हैं आपस में चाइना के साथ कॉपरेशन बढ़ाने की बात करती हैं, वो 16 कंट्रीज आपस में अपना खुद के बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए इस फॉर्मेट में कोई भी बातचीत नहीं करती या कोई भी इनिशिएटिव ऐसा नहीं लिया जाता जिससे उन 16 कंट्रीज़ में आपस में कॉपरेशन बढ़े। सिर्फ 16 कंट्रीज़ आर डेडिकेटेड फॉर चाइना हेयर, इसीलिए ये सिर्फ बायलेटरलिज्म पर फोकस करता है, मल्टीलेटरलिज्म पर फोकस नहीं करता, जो एक और सस्पिशियस होने का इसका इम्पॉर्टेंट कारण है। और दोस्तों ये बात और क्लियर हो जाती है जब यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट के तरीके को देखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने क्लियरली ये कह दिया है कि ये चाइना की एक कोशिश है यूरोपियन यूनियन को तोड़ने का। और यहाँ पर दोस्तों ये चाइना ऐसे करना चाहता है कि जो लेस डेवलप्ड मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन की उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिया जाए और बदले में उनसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लिया जाए, यानी एक तरीके से यूरोपियन यूनियन में अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। यहाँ पर नोट करने वाली बात एक और है कि चाइना ने अब तक $15.4 बिलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए 16+1 कंट्रीज़ को दिए हैं 2012 से लेकर के 2019 के बीच में। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पैसा है एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैनुफैक्चरिंग, रियल इस्टेट और मर्जर एंड एक्विजिशन में लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये देखिए ये इन्वेस्टमेंट हो कैसे रहा है, चाइना किन कंट्रीज़ को किस हिसाब से प्रेफरेंस दे रहा है और यहाँ पर चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, आइए इसको समझिए। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है $15.4 बिलियन का, इसका दोस्तों 70% जो अमाउंट है वो दोस्तों 5 बाल्कन कंट्रीज़ को जाता है और दोस्तों 11 जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उनको मात्र दोस्तों इसका 30% ही जा पाता है। अब दोस्तों देखिए जो 5 बाल्कन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पिछड़ी हुई बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, इनका अगर GDP में कंट्रीब्यूशन देखें तो इन 5 कंट्री का मात्र 6% है। और दोस्तों ये 6% कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी 70% जो है अमाउंट इन कंट्रीज़ को जा रहा है, जो कि एक समझदार इन्वेस्टर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, उसका फोकस जो रहेगा वो रिटर्न पर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों चाइना जो है बिल्कुल एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की जो रूल्स होते हैं, जो एक तरीके से रिटर्न की लालच होती है उसमें कोई करता है, वैसा यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। चाइना की यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको एक तरीके से अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाया जाए या फिर एक तरीके से इनसे लॉन्ग टर्म में इनका जो मार्केट है पूरे अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया जाए और साथ ही साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर बढ़ा कर रखा जाए ताकि आगे ये हमारे काम आ सके।
और दोस्तों ये जो 5 बाल्कन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन है और यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, और इन दोनों चीज़ों को क्लेम करते हैं वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यानी दोस्तों इनडायरेक्टली ये जो इतना पैसा है एक तरीके से वो इन यहाँ के जो बालकन कंट्रीज़ के नेता हैं या ऑफिसर हैं उनको एक तरीके से ख़रीदने के लिए और अपने अकॉर्डिंग इन कंट्रीज़ में पॉलिसी बनाने के लिए चाइना जो है एक तरीके से खर्च कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये देखिए कि जो यूरोपियन यूनियन की 11 कंट्रीज़ हैं उनके साथ दोस्तों चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कम करता है, बिल्कुल मात्र 30% ही पूरे फंड का जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये उनके कोर सेक्टर हैं जैसे कि ICT और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उनमें दोस्तों ये खर्च करता है। और दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो कितना खतरनाक है मैंने आपको अपने इस वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में बता रखा है, जिसका इंटरफेस आप इस समय यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने बताया है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट भले कम आता है इंडिया में, लेकिन वो जो है टेक्नोलॉजी वाले जो एक तरीके से चीज़ें हैं उनमें उसका इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टअप्स में उसका इन्वेस्टमेंट है, और चाइना का टेक्नोलॉजिकल डेप्थ जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मैंने सारा कुछ इसमें बता रखा है। तो सेम दोस्तों चाइना की स्ट्रेटजी यहाँ पर भी चल रही है, यूरोपियन यूनियन में वो पैसा कम जाता है लेकिन कोर सेक्टर्स में जाता है, और यहाँ पर जो बाल्कन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पावर स्टेशंस और इन सब चीज़ों में या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में खर्च किया जाता है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च किया जा रहा है उससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर कर किसी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। यानी दोस्तों यहां से क्लियर हो जाता है कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना सकती हैं, कुछ तो उन चीज़ों को छोड़ दिया है चाइना ने और उनके लिए दूसरी स्ट्रेटजी बना ली है कि उनको साइबर ट्रैप में फंसाया जाए, और जो यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के एक तरीके से काबिल नहीं है और उनको कोई पैसा भी नहीं देने वाला, वैसी बाल्कन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर डेब्ट ट्रैप का इंतजाम कर दिया है चाइना ने। अब दोस्तों इस पर यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है, तो देखिए दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो है एक तरीके से काफ़ी चिंतित है 16+1 फॉर्मेट की डेवलपमेंट को लेकर, और यहाँ पर दोस्तों उसका ऐसा कहना है कि यूरोपियन यूनियन का जो चाइना के खिलाफ पॉलिसी होगी उसमें क्या होगी दोस्तों, यूनिटी नहीं बन पाएगी चाइना के इस मैकेनिज़्म की वजह से। यानी यहाँ पर चाइना जो है अपने मकसद में सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है यूरोपियन यूनियन को। यहाँ पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन ऐसा तो नहीं कह सकता कि इसको बंद कर दिया जाए, 16+1 फॉर्मेट खराब है, तो यहां पर दोस्तों सिंपली इसका विरोध ऐसे नहीं होता जैसा एक्चुअली में होना चाहिए। यहां पर यूरोपियन यूनियन कहता है कि इस बायलेटरल रिलेशन में जो बाकी की कंट्रीज बची हुई हैं, यानी सिर्फ आपने यूरोपियन यूनियन के 11 मेंबर्स को ही चुना है बाकी 18 को नहीं चुना, तो आप इन 18 को भी इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। लेकिन दोस्तों यहां पर चाइना ऐसा नहीं करना चाहता। यहां पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन का ऐसा करने के पीछे पर्पज है कि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो वो यूरोपियन यूनियन के लॉ रूल्स एंड पॉलिसीज़ के हिसाब से हो, और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए उसका ओवरऑल आउटकम होना चाहिए सारे यूरोपियन यूनियन के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली कहना चाहता है कि हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो भी एग्रीमेंट साइन हो किसी कंट्री के साथ तो उसके लिए हमने प्रॉपर रूल्स बना रखे हैं, पॉलिसी बना रखे हैं, उसको कंप्लाई करके हो। यानी एक तरीके से जो चाइना का फ्री हैंड है इन कंट्रीज़ में एक तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करके यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, उसको यहाँ पर चाइना से छीनना चाहता है। लेकिन दोस्तों ऐसा जो है चाइना होने नहीं देना चाहता, और इसी के चक्कर में चाइना जो है ऐसे स्टेटमेंट देता रहता है कि ये ओवरऑल बेनिफिशियली है, हम स्पेशल प्रोविज़न बना रहे हैं जो अनडेवलप्ड मेंबर्स हैं उनके लिए, इस तरीके से वो उसको नकारता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है, तो देखिए दोस्तों इंडिया ने कभी भी 16+1 फॉर्मेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। लेकिन दोस्तों यूरोप में चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना बढ़ जाए इसके लिए दोस्तों हम भी काम कर रहे हैं, और हम यहाँ पर चाइना से बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। हमने दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फोरम बना लिया है यूरोप के 29 कंट्रीज़ के साथ, इंडिया यूरोप 29 बिजनेस
फोरम के साथ। और यहाँ पर दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज करती है हमारी CIIA। और दोस्तों 20 नवंबर 2019 को इसका 5th एडिशन भी हुआ था दिल्ली में। और यहाँ पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तरीके से इसको ज्वाइन किया था और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने भी इस पर एक तरीके से इस फोरम में अपने विचार व्यक्त किए। और अगर दोस्तों बात करें एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर ये एरियाज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस फोरम में ये भी कहा था कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के साथ इंडिया जो है अपना $10 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना चाहता है। इसके लिए वो टारगेट बना चुका है और ब्लूप्रिंट भी तैयार है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारा काम हम उम्मीद कर सकते हैं होने की। इसके अलावा दोस्तों हमने इंडिया यूरोप 29 बिजनेस फोरम पर एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट भी बना ली है, जिस पर आपको फर्दर डिटेल मिलती रहेगी। वैसे दोस्तों ये वेबसाइट आपस में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बनाया है, ताकि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आसानी से हो सके। तो दोस्तों अब ये था हमारा 16+1 मैकेनिज़म का एनालिसिस, और यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है, यूरोपियन यूनियन का क्या सोचना है इन सब चीज़ों पर। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।